हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, जो बिगिनर्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं 2 से 3 महीनों में, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर उनकी जो मार्क्स है वो मॉक टेस्ट में इंक्रीज नहीं हो रहे गाइस, या उनकी जो मार्क्स है वो बिल्कुल लो नंबर आ रहे हैं, मतलब 20 से 30 या 30 से 40 नंबर की रेंज में उनके मार्क्स है गाइस। तो गाइस देखो, सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसको लाइक कर देंगे वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके गाइस। तो गाइस देखो, जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मैं आपको रियली बताऊं, मेरे जो मार्क्स थे ना, मैंने सबसे पहला जो मार्क्स मुझे जहाँ तक याद है SBI क्लर्क का दिया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे जस्ट 25, मतलब 25 मार्क्स मेरे आए थे, और इंग्लिश की मैं बात करूँ उसमें 2 से 3 नंबर ही मेरे आए थे। तो गाइस आप देख सकते हो, जब मैं स्टार्टिंग तैयारी स्टार्ट किया था, जब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होकर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरे मार्क्स भी क्या होते थे, लो आते थे। अब जब आप देखते हो, तो जब हर प्री का और मेंस का रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, तो हर बार मेरा प्री क्वालिफाई होता है गाइस। तो आपको उसी चीज के बारे में डिस्कशन करना है कि कहाँ मेरी प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ शेयर करो, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है और इंस्टा नंबर भी दे रखा है गाइस। तो गाइस देखो, मैं 3 चीजों के ऊपर बात करूंगा कि मेरे जो मार्क्स है वो क्यों नहीं बढ़ रहे। एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिगिनर्स है और जो तैयारी स्टार्ट कर चुका है 2 से 3 महीनों के लिए, मतलब 2 से 3 महीनों से पहले स्टार्ट किया था, उन बच्चों के लिए हम बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि सर मेरा जो पहला पॉइंट आपको बता दूं कि आपका 60 से 70% सिलेबस क्या कवर अप है, नहीं है तो उसको कवर अप करो। दूसरा पॉइंट आता है कि डेली बेसिस पर मैं कितने मॉक दूं। तीसरा मेरा मॉक चीज आती है कि जो मैं मॉक दे रहा हूँ क्या इजी लेवल के है, क्या वो हार्ड लेवल के है, या किस प्लेटफॉर्म के में मैं जो मॉक है मैं दे रहा हूँ गाइस। तो जो पहली बात मैं करता हूँ सिलेबस की, तो देखो गाइस सबसे पहला काम क्या करो, आप अपना सिलेबस है ना वो 70 से 80% क्या करो, कवर अप कर लो। जब ये कवर अप होने के बाद आप क्या करोगे, स्विच करोगे मॉक पे। अब आती दूसरी चीज, मॉक कितने दे। तो देखो गाइस, आपको डेली बेसिस पे कोशिश तो ये करनी है कि डेली बेसिस पे आपको 2 मॉक तो देने ही। अगर 2 मॉक नहीं दे पाते तो आप डेली बेसिस पे 1 मॉक तो दो ही दो गाइस, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है कि सर मुझे किस प्लेटफॉर्म का आपका, देखो गाइस मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आपको क्या करना होगा, देखो एक तो इजी प्लेटफॉर्म का लेना होगा। तो इजी की बात करें तो आपका आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का क्या करोगे, आप परचेस कर लोगे तो वो आप एक दोगे गाइस। अब दूसरा जो आता है वो आता है आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का या हाई लेवल का। तो आप क्या करोगे, या तो ऑली बोर्ड ले लोगे, या आप क्या करोगे स्मार्ट कीड़ा है, इनसे आप क्या करोगे परचेस कर लोगे। कम से कम 2 से 3 मॉक की सीरीज अगर आपके पास होती है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या, अगर पेपर इजी आ जाता है तो मैं स्कोर कर पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर कोई मॉक अगर हार्ड है तो क्या, अगर मेरा पेपर एग्जाम का जो रियल एग्जाम है अगर वो थोड़ा सा हार्ड आ जाए तो मैं वहां पे स्कोर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या करो, कोई भी 2 टेस्ट तो आप लेके चलो, एक आपकी इजी हो जाएगी, दूसरी आपकी हो जाएगी जो आपकी हाई लेवल की। तो आप इन चीजों पे फोकस करेंगे, 3 चीजों को कंप्लीट करने के बाद आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं जब भी देखो, आप अभी भी मैंने लास्ट जब आपको साथ शेयर किया था, मैं अगर कोई मॉक देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 2 चीजों पे ध्यान रखना हूँ, एक तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी। आपको हर सेशन में बताता हूँ, आपको इन 2 चीजों पे फोकस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक्यूरेसी खराब नहीं करनी है। जैसे गाइस एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लास्ट जब मैंने आपको दिया था RRB PO भी मैंने दिया था, SBI PO भी दिया था, RBPS PO भी दिया था, तो उनमें मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या थे, कम थे, बट फिर भी मेरा क्या होता, प्री क्वालिफाई हुआ था। बट कुछ ऐसे बच्चे जिनका बच्चे थे जिनका नंबर ऑफ क्या थे, अटेम्प्ट्स भी ज्यादा थे, बट फिर भी उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपको वो चीजें नहीं करनी, आपको क्या करना है, स्पीड के साथ साथ हमेशा एक्यूरेसी भी फोकस करना है, ताकि मेरा सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाए, हाई हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3 चीजों पर फोकस करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरी बात मान ली तो डेफिनेटली स्कोर होगा गाइस। और आपका जो RBI का असिस्टेंट का लाइव मॉक चल रहा है ऑली बोर्ड का, उसको एक बार दो, वहां से आप जो स्कोर आ रहा है मुझे अपने, जो भी आपका स्कोर आ रहा है मैं भी दूंगा, वो भी अपना स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूंगा, और आप जो स्कोर कार्ड आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक दे दूंगा, और अगर आपको इंस्टा में मुझसे मैसेज करना है तो वहां पे उसका लिंक दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।